हाय गाइस, वेलकम। आज आप लोगों को लग रहा होगा ये कौन आ गया। मैं वही हूँ, आपकी पुरानी मनीषा। सो आई एम बेसिकली डॉक्टर मनीषा सिंह, जो मैंने कभी नहीं बताया। सो आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ हाउ टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन। सो दैट्स वाई आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, मैं अपने क्लिनिक से बात कर रही हूँ। सो आई होप आपको पसंद आएगा, प्लीज़ देखिए ज़रूर। टू मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन, फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है दैट इज़ ब्रशिंग। ठीक है, सो ब्रशिंग में प्रॉब्लम ये होती है, लोग बोलते हैं कि हम ब्रश तो करते हैं फिर भी हमको कीड़ा लग गया, हम ब्रश दो टाइम करते हैं फिर भी हमारे मुंह में गंदगी डिपॉजिट हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम ब्रश करते हैं हमें बेसिकली टेक्निक नहीं पता होती है कि हमको ब्रश करना कैसे चाहिए। सो आई विल टेल यू हाउ टू ब्रश बेसिकली टुडे। सो ब्रशिंग के लिए पहली बात तो आपको दो टाइम ब्रश करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? आजकल ठंड आ गई तो हम सोचेंगे हम आलस में जाते हैं, हम ब्रश नहीं करेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रश करने के लिए। अगर आप अपर जॉ में ब्रश कर रहे हैं तो आइडियली जो ब्रश होता है इट शुड बी ऑफ 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, बट हम नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ब्रश लीजिए, ये आपका जॉ है, अगर अपर वाला है तो आप तीन दांतों में ब्रश लीजिए, बैक एंड फोर्थ करिए और नीचे पुल करिए। तीन दांतों को लीजिए, बैक एंड फोर्थ करिए और पुल करिए। सेम आप पीछे जाइए, तीन दांतों को लीजिए, ऐसे करिए और नीचे पुल करिए। ठीक है, इधर से भी ऐसे करिए और नीचे पुल करिए। ये हो गया हमारा अपर के लिए। सेकंड, जब हमारा लोअर, अगर हम नीचे वाली जॉ के लिए जब करते हैं तो उसका उल्टा, हमने ये लिया और ऊपर की साइड, तीन दांत लिया और ऊपर की साइड, तीन दांत लिया और ऊपर की साइड। सेम आप अंदर से भी ऐसे ही करेंगे, अंदर से भी आपको ऐसे ही करना है, ऊपर आप कितना भी रब करिए, अच्छे से करिए ब्रश। ठीक है, ये तो हो गई टेक्निक। अब बेसिकली हम ये क्यों बताते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग ब्रश करते हैं वो ये करके ब्रश कर लिया, हमने फटाफट ब्रश कर लिया। बट जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं तो होता क्या है कि ये हमारे गम्स हैं। ठीक है, तो जो गम्स में ये एक ऐसा ट्राइंगुलर शेप होता है ये, जो कवर करता है दोनों दांतों को, उसको पैपिला बोलते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली ब्रश करेंगे तो जो ये पैपिला है ये ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, और अगर ये ख़त्म होता जाएगा तो जो आपके गम्स होंगे, जो मसूड़े होंगे, वो आपके रिसीट करते जाएंगे, मतलब वो नीचे चले जाएंगे, और जो आपके दांत होंगे वो धीरे धीरे लंबे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मसूड़ा उसको जकड़ने के लिए है नहीं, आपका बोन लॉस होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड आपके दांत हिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ब्रशिंग टेक्निक। और आपको ब्रश कितना देर करना चाहिए, एटलीस्ट आपको 2 मिनट्स ब्रश करना चाहिए, और आपको हर 3 मंथ में जो आपका ब्रश है उसको चेंज करना चाहिए। अब ब्रश करने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम हार्ड वाले ब्रिसल से ब्रश करिए कि हमारी गंदगी एकदम अच्छे से हट जाएगी, ये नहीं है। आपको मीडियम या सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश करिए, उसे यूज़ करिए, बहुत अच्छे से क्लीन होएगा। ये हो गया ब्रश के लिए। सेकेंड, जब हम कुछ भी स्टिकी चीज़ खाते हैं, कुछ भी हम दिन में खाते हैं, हमने बिस्किट खाई, हमने चॉकलेट खाई, हम सब कुछ खा सकते हैं, बट खाने के बाद आप गागल करिए। ठीक है, गागल करिए, अच्छे से रिंस करके फिर गागल करिए। और इससे कभी भी क्या होगा कि कोई भी फूड पार्टिकल जो होगा वो आपको स्टिक नहीं करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ पे बैक्टीरियाज नहीं आएंगे, तो आपको कैविटी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपको कैसे मेंटेन करना है। थर्ड थिंग इज़, अगर आप रात को, बहुत अच्छा है कि आप ब्रश करें, और अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट माउथ वॉश यूज़ करें। बट माउथ वॉश यूज़ करने का भी एक अपना अलग ये है कि लोग क्या होता है कि माउथ वॉश कंटिन्यूअसली यूज़ करे जा रहे हैं, बट नहीं, बिकॉज अब कंटिन्यूअसली माउथ वॉश अगर यूज़ करेंगे तो माउथ वॉश की माउथ वॉश जो होता है वो क्या करता है कि आपके माउथ में मेटालिक टेस्ट डेवलप कर देता है। सो इसीलिए अगर आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको 1 मंथ करिए, बीच में स्किप करिए, या 2 मंथ करिए, बीच में स्किप करिए, 1 महीने का गैप दीजिए, फिर आप इसको दोबारा यूज़ करिए। कभी भी कंटिन्यूसली नहीं यूज़ करना चाहिए माउथ वॉश उसको। ठीक है, फिर क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए। आप पेस्ट के लिए आप कोई सा भी पेस्ट ले लीजिए, सब बढ़िया है, बस ध्यान दीजिए कि बहुत सिलिका पार्टिकल वाला पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके दांतों को घिस देता है, अब्रेड कर देता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। देखिए, 6 मंथ में आपको चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज होता क्या है कि जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, आप कितना भी ब्रश करिए, आप कितनी भी फ्लॉसिंग करिए, इंटरडेंटल ब्रश करिए, बट कुछ लोगों के अंदर होता है कि उनमें जो कैलकुलस, मतलब जो टार्टर होता है, जो हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं, वो होने लग जाते हैं।
तो आप उसको कितना भी ब्रश करेंगे वो नहीं हटेगा, उसको आपको मैकेनिकली मशीन से हटवाना पड़ेगा, मतलब आपको स्केलिंग करवानी पड़ेगी. तो यू शुड डू दैट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज मैं बिजी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्लिनिक में बैठ के कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँ. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं बहुत ऐसी और फिर वीडियोज़ लाऊंगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स एंड बाय.